हमारे साथ है बीजेपी के सांसद जनार्दन प्रसाद सिग्रीवाल जी। सर क्या लग रहा है, शपथ ग्रहण कब तक हो जाएगा, नई सरकार का गठन कब होगा? देखिए यह तो हमारे नेता सब तय करेंगे, हम सब लग्न और अच्छे मुहूर्त के साथ जिसमें राज्य की भलाई हो, राज्य की समस्याओं का निदान हो, हम सब पहले भी करते आए हैं और इस बार भी हम करेंगे। हमें उसके एक जो विधि और परंपरा है, दोनों और नहीं चारों दलों के नेता का चुनाव, फिर उसके बाद एनडीए के नेता का चुनाव, ये औपचारिकता है जो पहले से तय है। और तय करके जब महामहिम राज्यपाल के पास जाता है तो फिर वहाँ से वो डेट जो अपने स्तर से बताया जाता है, वो डेट की माने एक बार औपचारिक घोषणा की जाती है। लेकिन ये जल्दी हो जाएगा, मुझे लगता है कि इस राज्य को एक नई सरकार नई ऊर्जा के साथ पुनः माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली यहाँ मिल जाएगी और तैयार होकर के काम करेगी। मांग भी उठने लगी कि बीजेपी की ज़्यादा सीटें आई हैं तो मुख्यमंत्री भी बीजेपी का हो, आपका क्या राय है? नहीं देखो, पहले से तय है, मेरे यहाँ एक पहले से ही स्थापित है कि जो हम कहते हैं सो करते हैं। और पहले ही से हम माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पहले ही से एक कह दिया है कि बिहार में हम जब सत्ता में आएंगे पुनः तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, माननीय हमारे सुशील कुमार मोदी जी साथ में होंगे और एनडीए के लोगों। कन्फ्यूजन नहीं है? कोई कन्फ्यूजन न है, न होने की कोई बात भी बनती है। हम तो गाड़ी के चक्का के जैसे अपनी बात को नहीं बदलते हैं, एक बार जो कह दिया उस पर न घाटा न नाफा यह नहीं देखते हैं। कहना और कह करके निभाना, यही तो भारतीय जनता पार्टी का असली गुण है, यही तो भारतीय जनता पार्टी ने और अपने उनके लोगों ने यही सीखा भी है। कैबिनेट का स्वरूप क्या होगा, क्या डिप्टी सीएम दो होंगे? यह तो देखिए, कैबिनेट का स्वरूप तो फिर माननीय मुख्यमंत्री जी मिलकर के तय करेंगे हमारे पार्टी के नेतृत्व के और उनके निर्देशन पर। लेकिन ये आपको सब स्पष्ट हो जाएगा जब शपथ ग्रहण होगा, तो शपथ के बाद आपको कैबिनेट का स्वरूप भी तय हो जाएगा क्या है। टेंटेटिव डेट क्या है शपथ ग्रहण समारोह? देखिए मुझे लगता है कि दिवाली के जस्ट बीतते कुछ अच्छा मुहूर्त आने वाला है, अच्छा कुछ लग्न आने वाला है, इस लग्न में होगा, क्योंकि हमने समस्याओं का निदान भी किया है और आगे भी कुछ समस्याएं न रह जाए, इस राज्य का सर्वांगीण विकास हो। क्योंकि आपको मैं एक बता दूं कि मात्र 3 साल माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते इस राज्य में इस सरकार को काम करने का मौका मिला, यह सौभाग्य है। पहले कभी भी आप देखिएगा जब केंद्र में सरकार रहती थी कांग्रेस की, तो यहाँ दूसरी सरकार रहती थी। हम सब जब यहाँ मंत्री थे, जब माननीय नीतीश कुमार जी यहाँ मुख्यमंत्री थे, उस समय वहाँ दूसरी सरकार थी, एक एक काम हो नहीं पाते थे। और काम को सही रूप और मूर्त देने के लिए दोनों का एक होना आवश्यक है, और 3 सालों तक तो हुआ है, तब ने देखा है विकास की गति को। और आगे भी मैं आपको बताऊँ कि आगे जब 5 साल मौका मिलेगा तो विकास की गति बढ़ेगी और आगे गति बढ़ेगी, यह मैं आपको निश्चित मैंने बताना चाहता हूँ। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के सांसद जगन्नाथ प्रसाद सिग्रीवाल, जो कह रहे हैं कि दीपावली के बाद नई सरकार का गठन बिहार में होगा। कैमरा पर्सन सूरज के साथ मृत्युंजय श्रीवास्तव, पटना बिहार पर।